सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हेल्दी होंगे। केयर गिवर्स के बारे में बताना है आज, कि इनका प्रोसेसिंग टाइम के बारे में आज डिस्कस करना है। तो वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके साथ। तो केयर गिवर की प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 12 मंथ होती है, एक साल का प्रोसेसिंग टाइम हो अगर सब कुछ ठीक हो। जिस दिन से केयर गिवर का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उस दिन से जब से इसका प्रोसेसिंग टाइम था वो डिले हो गया, क्योंकि COVID-19 करके उसका इफ़ेक्ट पड़ा इस प्रोग्राम पर। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप खुद जाके कनाडा की वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हो। तो कोविड इफेक्ट ऑन द प्रोग्राम ड्यू टू विद COVID-19 देयर मे बी प्रोसेसिंग डिले विद केयर गिवर परमानेंट एप्लीकेशन इंक्लूडेड एनी रिलेटिव वर्क परमिट एप्लीकेशन दिस इंक्लूडेड। इसमें है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर प्रोग्राम भी डिले हो रहा है और होम सपोर्ट वर्कर भी। इनमें प्रोसेसिंग में काफ़ी डिले हो रहा है, नहीं तो 1 ईयर का मिनिमम अगर प्रोसेस है अगर हर चीज़ नॉर्मल हो। पर ये आपके साथ मैंने शेयर करी है। और साथ में आपको ये कहना चाहूँगी, साल बाद सभी का फाइल नंबर आ रहा है। फाइल नंबर के बाद आपको एक लेटर आता है, उसमें UCR नंबर आता है, टेम्प्रेरी फाइल नंबर आपका आता है। उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि हमने आपकी फ़ाइल ओपन कर ली है, हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसको, अब हम इसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको अपनी आपके मेल पर इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका मेडिकल होना है या आपकी बायोमेट्रिक्स होनी है या आपकी इंटरव्यूज आनी है। ये वो जो कुछ भी है वो आपकी ईमेल पर आती है, जो आपने अपने रजिस्टर ईमेल एम्बेसी को दी हुई है। तो सभी अपनी रोज़ अपनी ईमेल्स, जितने लोगों ने फाइल्स लगा रखी है, अपनी ईमेल्स रोज़ रेगुलर चेक करो। इस साल जो फास्ट डिसीज़न आएगा, जिनमें फाइनल डिसीज़न आना है, वो 2019 में जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई भी थी और जिनका फाइल नंबर भी आया, उनका अब डिसीज़न इस साल आएगा। जो रिसेंटली अभी अनाउंस हुआ था वो मई में आना है या जून में फाइनल डिसीज़न आने शुरू होने, जो 19 की फाइल है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिन्होंने 20 में 21 है, कि उनके भी होली होली डिसीज़न आने शुरू होंगे जिनके टेम्प्रेरी फाइल नंबर आए हैं। पर मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी रोज़ ईमेल चेक करो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल में ज़रूर आएगी।